नमस्कार दोस्तों, नोट्सबुक का इसमें आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मैं DYSP पद पे चयनित हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पेपर है वो 8 दिसंबर को टल चुका है, प्री का पेपर। अब हमारे पास ये जो टाइम मिला है हमको, उसमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था, तो उसको मुझे सॉल्व करना था कि अब इन दिनों में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास लगभग 2 महीने का टाइम मिल रहा है। अब टोटल कितना दिन बच रहा है आपके पास? 27 सितंबर हो गया और पेपर आपका होगा लगभग, एक्सपेक्टेड डेट है, मान के चलते हैं, ठीक है, 8 दिसंबर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये डेट क्या है, मान के चलते हैं कि डेट को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 3 दिन आज का प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर और 7 दिन इधर ले लेते हैं, तो मोटा मोटा मान के चलते हैं आपके पास 70 डेज बचा हुआ है। मोटा मोटा मैं मान के चलता हूँ कि आपका 70 दिन बचे हुए हैं। अब इन 70 दिनों में क्या करना चाहिए, इन 70 दिनों में क्या ऐसी तैयारी होनी चाहिए, क्या ऐसा तैयारी कर लें हम लोग कि 800 पोस्ट में, 800 जो पोस्ट आने वाली है उसमें से आपका एक पोस्ट, कम से कम एक पोस्ट आपकी हो। तो ऐसी क्या रणनीति हो, ऐसी क्या तैयारी हो, ऐसा क्या पढ़ें कि 800 पोस्ट में आपका भी नाम आए, तो हम लोग इस पे बात करेंगे। तो अब देखिए, टोटल 70 दिन बचे हुए हैं, 70 डेज टोटल बचा हुआ है, ठीक है। इन 70 डेज में क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात, 70 दिन बहुत पर्याप्त दिन है। अब जिसकी तैयारी नहीं हुई है, जो मतलब कि ऐसे ही अनमने ढंग से पेपर देने जा रहा था, उसको लग रहा था कि मेरी तैयारी नहीं है लेकिन फिर भी चला जाता हूँ, दे लेता हूँ पेपर, अब उसके लिए भी सुनहरा मौका है, सुनहरा मौका है, वो भी अपना प्रिपरेशन करके, तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन अब ज़रूरत है कि आप प्री कम मेंस पढ़िए, प्री प्लस मेंस, प्री कम मेंस पढ़िए, प्लस डेली आंसर राइटिंग अपना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी डेली अपना आंसर राइटिंग कर रहा था, अभी बंद कर दिया था, फिर से अपना आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। उसका रीज़न ये है कि मेंस जो आपका पूरा है, मेंस जो है वो पूरा इसी पर निर्भर है, डेली आंसर राइटिंग पे ही निर्भर है। जितना आप लिखेंगे उतना अच्छा आपका मेंस जाएगा और उतना बढ़िया सिलेक्शन होगा, ठीक है। वैसे भी जान ही रहे हैं कि DYSP एंड SDM की पोस्ट इस बार कम है, लगभग 18-19 DTSP की है, वही 35-36 SDM की है। तो अब आपको अंडर 50 आना है तभी जाके इसमें से कोई आपको पोस्ट मिलेगी, तो उसके लिए तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए भाईजान, तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इस बात करेंगे कि प्री में क्या पढ़ें और मेंस में क्या पढ़ें, ठीक है। तो पहले हम लोग मेंस की बात करते हैं कि 70 दिनों में मेंस में क्या पढ़ना है, तो हम लोग पहले मेंस की बात करते हैं। मेंस के लिए सबसे पहले आप ऐसा पेपर तैयार करिए जो पूरा 200 मार्क्स का होता है, अच्छा मार्क देता है, और जिसको हम एक सिर्फ एक सिंपल नोट से तैयार कर सकते हैं, और वह है इथिक्स। वो क्या है, इथिक्स है। इथिक्स को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक नोट से तैयार करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। इथिक्स पे मेरे 110 मार्क्स थे, ठीक है। अब एक 100 नंबर क्रॉस करना है तो आपका इथिक्स अच्छा होना चाहिए और लिखें अच्छा। तो इतना नंबर पाने के लिए आपको क्या करना होगा, इथिक्स की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग जम के करिए। इथिक्स के हम लोग के टाइम पे इथिक्स नया सब्जेक्ट था स्टेट के लिए, लेकिन UPSC के लिए तो पुराना ही था, तो हम लोग पास भी सोर्स मटेरियल बहुत कम थे। लेकिन अभी जो है इथिक्स के लिए एक बढ़िया, मैं टीचर का नाम बता देता हूँ, उनका नोट्स, उनका बुक पढ़ के
आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। उनका नाम है धर्मेंद्र झाकड़ सर। धर्मेंद्र झाकड़ सर की बुक्स जो है इथिक्स की इजीली अवेलेबल है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी अवेलेबल है, और आपके नज़दीकी जितनी भी बुक शॉप होंगी जहाँ सिविल सर्विसेज की बुक मिल जाती है बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ पीडीएफ फॉर्म में भी टेलीग्राम चैनल वगैरह कहीं भी मिल जाता है, आप इसको इजीली ले सकते हैं। ये प्लस क्लास करने का तो टाइम है नहीं, लेकिन जो जिसकी तैयारी अच्छी है, जो मेंस लिखने जा रहा है उसके लिए अच्छा है, प्लस आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग करिए, कम से कम एक से दो आंसर खुद से डेली लिखिए, ठीक है। डेली लिखना है आपको आंसर। बाकी आप लोगों ने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया ही है, चाहे हमारे यहाँ ज्वाइन किया है, चाहे जहाँ ज्वाइन किया है, अपना फिर से रिस्टार्ट कर दिए। और जो नहीं ज्वाइन किया है वो डेली आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए नोट्स बुक आइस के द्वारा। नोट्स बुक आइस के द्वारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और इसकी जो टेस्ट सीरीज जो है वो एक है 90 डेज का और एक है 150 डेज का। तो जो सही लगे उसको ज्वाइन करिए, दोनों में 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा मेरे माध्यम से। ऑनलाइन जो देख के कॉल करेगा इन हमारे नंबर्स पे, उसको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए और इथिक्स से आप लोग शुरू करिए और आंसर राइटिंग अपना शुरू करिए। दूसरा सब्जेक्ट जो है इजीली जो तैयार किया जा सकता है इथिक्स के अलावा, वो कौन है जो आपको अच्छा मार्क्स दिलाए, तो है हिंदी। हिंदी अगर हिंदी आप लोग पढ़ते हैं अभी तो आपको प्री में भी काम देगा, प्री में भी काम देगा, प्लस मेंस में भी काम देगा। प्री मेंस दोनों में काम देगा। ये 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है, और आपको इसमें कम से कम 90+ स्कोर करना होगा, 90+ स्कोर करना होगा अच्छा रैंक लाने के लिए। और मेरे इसमें 95 मार्क्स थे, तो 90+ मार्क्स पाने के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, PYQ। हिंदी का PYQ सारा रट जाइए, ठीक है। PYQ रटने के अलावा एक बुक अपने पास रखिए आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक रखिए, सारा PYQ रट जाइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ हिंदी क्योंकि प्रीमियम दोनों में भी काम देगा। हिंदी प्री में भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, सीसेट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं ऐसा ऐसा भी चीज़ बता रहा हूँ जो इन 70 दिनों में आप लोग तैयार कर सकते हो। तो हिंदी भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आप लोग को, अब हिंदी का बात उठ ही गया है तो मैं बताता हूँ। हिंदी अगर पिछले आप 10 साल का पढ़ लीजिए तो व्याकरण तो कहीं जाने वाला नहीं है, व्याकरण हो जाता है। अब मेरा 2018 वाला मेंस था और पहला पेपर हिंदी से ही शुरू होता है। इसके पहले 17 वाली कहानी सुनाते हैं। 17 वाले में हिंदी का पेपर था और पहला पेपर हिंदी ही रहता है। हम लोग बैठे एग्ज़ाम देने और हिंदी के पेपर में एसे का पेपर बट गया। अब माथा ख़राब, ऐसे तो पढ़ के ही नहीं आए हैं। मैं पहली मतलब दूसरी बार मेंस दे रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार हिंदी का पेपर है, इन लोगों ने ऐसे दे दिया है। ऐसे तैयार तो था, लेकिन जैसे कि एक माइंड मेकअप होता है ना कि हिंदी का माइंड मेकअप बना के हिंदी का पेपर देना है और ऐसे एक पेपर बांट दिए, दिमाग तो बहुत ख़राब हुआ कि यार उसका माइंड मेकअप करके नहीं आया। कोटेशन वगैरह इंसान एक दिन के लिए ब्रेक के लिए थोड़ा रखता है कि याद करके लिखेंगे थोड़ा थोड़ा। अब हो गया खेला इसमें, अब लिख रहे हैं ऐसे एक ऐसे लिख लिए, आधा में पहुँचा था तभी बाहर हंगामा हो गया कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, सब बच्चे एकदम हंगामा।
टीचर कह रहे हैं तुम लोग शांति से बैठ के लिखो, कुछ पेपर ऊपर आउट नहीं हुआ, बाहर देख रहे हैं लंबी चौड़ी भीड़ लगी है, हंगामा हुए पड़ा है, कह रहे पेपर लिखो, माता खराब हो गया। अब जब पूरा पेपर भाई साहब तीनों पे ऐसे लिखवा लिए हैं, ऐसे थर्ड वाला दो ऐसे तो सही गया, तीसरा वाला तो उतना अच्छा नहीं गया था, पूरा पेपर लिखवा लिए तो टीचर कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया है। पेपर कुछ आउट नहीं हुआ था, हम ही लोग को ऐसे का पेपर बांट दिए थे। एक आग सेंटर पर और ऐसा हुआ था कि हिंदी की वजह ऐसे का पेपर बढ़ गया था, और हिंदी का पहले पेपर होता है, तो अब फिर क्या करना था, कई जगह हिंदी का पेपर बढ़ गया, कई जगह ऐसे का पेपर बढ़ गया, उस चक्कर में पेपर एक तरीके से आउट ही हो गया, तो वो पेपर टल गया फिर। लेकिन इतना अच्छा पेपर आया हुआ था ऐसे का और हिंदी का, भी इतना आसान पेपर था, उसके बाद जब पेपर टला है तो बहुत टफ पेपर आया था, हिंदी तो बहुत टफ आया था। फिर 18 वाले में भी यही हुआ, 18 वाले में पेपर देने गया, पेपर देने के आ गया, उसके एक दिन पहले थोड़ा सा कुछ स्ट्रेटजी वगैरह, मतलब कुछ इमोशनल ड्रामा हो गया था मेरे साथ, उसकी चर्चा नहीं करते हैं ज़्यादा सही रहेगा। 2018 वाले में तो ये है कि हिंदी में आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ PYQ पढ़ के, प्रैक्टिस करके, लेटर वगैरह रिपीटेड रहता है, व्याकरण पूरा रिपीटेड रहता है, एक दो ऐसा रहता है जो इधर उधर से रहता है, और वो अगल बगल के बच्चे से काम हो जाता है, सब पूछ पाछ लेते हैं लोग, एक आध दो रहता है तो हो जाता है, जुगाड़ लग जाता है, और लेटर तो सब रिपीटेड रहता है। तो सेकेंड जो हम लोग पढ़ सकते हैं वो हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तीसरा क्या हम लोग कवर कर सकते हैं, तीसरा जो है वो है UP स्पेशल पेपर 5 एंड पेपर 6, ये इन दोनों को तो सिर्फ एक बुक पढ़ के तैयार किया जा सकता है, ओनली वन बुक, एक बुक पढ़िए दोनों पेपर तैयार। सोचिए इतना अच्छा कहाँ सुनहरा मौका मिलेगा कि हम एक बुक पढ़ें सिर्फ और हमारा दो पेपर तैयार हो जाए। तो ये 400 नंबर का तो सिर्फ एक बुक से हो सकता है, ओनली वन बुक से। उसके लिए एक मैं नोट्स सजेस्ट करूँगा आप लोग को, वो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अभ्युदय योजना चलाई जाती है, अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना में जितने सेलेक्टेड हैं, जैसे मेरे जैसे लोग जो SDM हैं, DYSP है, अदर पोस्ट पे है, वो लोग जाके इस योजना में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो गरीब वर्ग के बच्चे उनको पढ़ाते हैं, और उनके लिखे हुए, उनके पढ़ाए हुए नोट्स हैं, प्रॉपर अपडेटेड नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं UP पेपर एंड 5 एंड 6 के लिए। तो ये बहुत अच्छा नोट्स है, आप लोग इससे पढ़ सकते हैं अभ्युदय योजना से, ठीक है, उनकी बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, और इसका आंसर राइटिंग जम के करिए। और सबसे बड़ी बात बताएं, UP पेपर 5 6 की खासियत, भाई साहब अपने UP का पेपर है, अपनी माटी, अपना देश, अपनी भाषा, अपने UP के बारे में लिखना है सब, तो आधा तो जानते हो, आधा पढ़ना है, तो कोई समस्या नहीं आने वाली है जो सिर्फ UP से है। बाहर वालों के लिए है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी UP में आधा तो आप लोग जानते हो, UP की आर्थिकी क्या है, UP का भूगोल कैसा है, UP का इतिहास कैसा है, मैक्सिमम चीज़ें तो आप लोग जानते हो, तो आधा ही जानना है और लिखना है, यही करना है, तो एक सिर्फ पेपर एक बुक से हो सकता है, वो मैंने आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं, ऐसे भाई साहब 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर्स का, इसमें भी आपको 90+ जाना होगा, अच्छा नंबर लाना है तभी सिलेक्शन होगा, तो इसमें भी 90+ जाना है। और ऐसे की भी मैं खासियत बता देता हूँ, 3 ऐसे लिखना रहता है, ठीक है, 1 2 3, एक ऐसे हिंदी साहित्य से होता है, एक किसी समाज से होता है जिसमें लगभग महिला सशक्तिकरण पूछता है, ठीक है, और एक होता है करंट से,
तो हिंदी साहित्य के लिए आप पूरा ऐसे PYQ पढ़ जाइए, ठीक है, PYQ पढ़ जाइए, और जितना ऐसे उसको एक बार लिख डालिए, एक ऐसे आपका तैयार, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 30 से 35 नंबर इसमें आएंगे अगर PYQ आप लोग लिख लिए तो। महिला सशक्तिकरण तैयार कर लीजिए, 30 से 35 इसी में बड़े आराम से आते हैं। और करंट तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, करंट तो आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूछ लेगा, जैसे गगनयान मिशन है, शुक्रयान है जो आने वाला है, पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। अभी जैसे कि आपका ये आया है दुग्ध क्रांति सेकेंड 2.0, ठीक है, इस पे पूछ सकता है, तो इस पे भी आप लोग आराम से 30 से 35 ला सकते हैं। तो समझ लिए 90 से 105 नंबर तक बहुत इजीली आ सकता है, और आता है लोगों का। तो ये पेपर ऐसे हैं जो आप लोग तैयार कर सकते हैं। मैंने कौन कौन सा बताया, पेपर 4, पेपर 5, 6, 5 एंड 6 हिंदी ऐसे। मैंने सिर्फ इसको इसको क्यों बताया है, मैंने सिर्फ इसलिए बताया है इनको क्योंकि ये सिर्फ एक बुक या एक PDF या एक नोट से आप लोग अच्छा गेन कर सकते हो नंबर। इसमें 4-5 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओनली वन बुक से। वहीं अगर आप पेपर फर्स्ट की बात करें तो तुम्हें हिस्ट्री है, हिंदी है, हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, तो आपको तमाम बुक पढ़नी पड़ेगी। सेकंड पेपर में भी इसी तरह है, पॉलिटी गवर्नेंस IR है, तो इसमें भी तमाम बुकें पढ़ने पड़ जाएंगी आपको। पेपर 3rd में साइंस टेक है, इकोनॉमिक्स है, सोशल मतलब और भी चीज़ें हैं इसमें। सेकंड पेपर में सोशल जस्टिस भी है आपका, तो इसी तरह 3rd पेपर डायनामिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, तो आपको उसमें भी डायनामिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन ये जो 5 पेपर है, ठीक है, 5 पेपर और 900 नंबर, 900 मार्क्स, 900 मार्क्स सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप एक एक बुक से रेडी कर सकते हो, ठीक है, 4 बुक से, ओनली 4, इसके लिए तो कोई बुक ही नहीं है, 1, 2, 3, 3 बुक से, 3 बुक से 900 नंबर आप लोग तैयार कर सकते हो। अब बच जाएगा सिर्फ 3 पेपर, पेपर 1st, 2nd, 3rd, तो उसको आप प्री के बाद पढ़ लेना, प्री के बाद पढ़ लेना, ठीक है, ये स्टडी आप लोग लगाओ अभी से। अब हम लोग आते हैं मेंस के साथ साथ प्री की तैयारी करनी है, प्री का भी तैयारी करना है, प्री का तैयारी करना है। तो प्री में हमारे, हम GS की सिर्फ आज बात करेंगे, CSAT की बात हम फिर कभी कर लेंगे। GS में मैंने आप लोग को बताया था एनालिसिस करके कि सबसे बड़ा सेगमेंट किसका है, करंट का है, करंट का है, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, 35 से 40 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप लोगों को करना क्या है, 1 ईयर का करंट तैयार करना है, 1 ईयर का, 1 ईयर का तैयार करोगे तो 1 जनवरी से पूरा 1 दिसंबर तक आप लोग का तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब दिसंबर में पेपर होगा तो 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक का करंट तैयार कर लो, अभी से आप पिछला करंट वगैरह सब तैयार करना शुरू कर दो आप लोग, ठीक है, 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक। दूसरा जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, इससे भी 35 से 40 क्वेश्चन पूछता है पूछता है। तो ये आपको कैसे तैयार करना है, PYQ से तैयार करना है, ठीक है, PYQ से बहुत इजीली तैयार हो जाएगा, पूर्वालोकन पढ़िए आराम से हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ से तैयार हो जाएगा। दूसरा तीसरा जो सेगमेंट है सबसे बड़ा, वो है हिस्ट्री, हिस्ट्री से लगभग 18 से 25 क्वेश्चन पूछता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से होता है, तो ये भी आपको PYQ पढ़ना है प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, PYQ पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, आराम से तैयार हो जाएगा। NCERT मिडेवल तो आपका PYQ से ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है पॉलिटी,
पॉलिटी में भी आप लोग पीवाई की पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए, और आपका नोट्स बना तो वो पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन पूर्वावलोकन और अपने नोट्स से पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। जिसने नोट्स नहीं बनाया है तो घटना चक्र का पीवाईक्यू लेके पढ़ ले, बहुत आसान पॉलिटी है। जितने आप आर्टिकल जान रहे हैं वो पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, DPSP, मूलाधिकार, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, संसद, उसके अलावा आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायपालिका, पंचायत, ठीक है, और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, बस इतना तैयार कर लीजिए, इससे बाहर पॉलिटी जाएगा ही नहीं। ठीक है, इतना ही तैयार कर लीजिए आप लोग, इतना बस तैयार कर लीजिए। अब आपका बचता है साइंस। साइंस आजकल 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पीवाई की पढ़ डालिए, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लेंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीवाई की पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे चलते हैं, इसके अलावा हमारा बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वैसे तो 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक्स पूछता है, और बाकी 8 से 10 क्वेश्चन करंट रहता है, तो ये करंट में इंक्लूड हो जाएगा। जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो PYQ से हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा करंट का बुक्स वगैरह कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। इसके साथ साथ बचता है UP स्पेशल। UP स्पेशल हमारा, जब आप पेपर 5, पेपर 6 के लिए मेंस पढ़ेंगे तो ये आराम से तैयार हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं करंट के लिए कौन सी बुक पढ़ें। करंट के लिए बुक, करंट तो वैसे 1 ईयर का पढ़ना चाहिए, 1 ईयर, 1 ईयर का करंट पढ़िए। ठीक है, और 1 ईयर का करंट पढ़ने के लिए आपको मैं कुछ बुक्स का नाम बताता हूँ, घटनासार, घटनाचक्र या आई दृष्टि ले लीजिए, आई दृष्टि। एक बुक आती है एडिटोरिया की, और एक बुक आती है क्रॉनिकल की। आपके यहाँ इन चारों में चाहे जो अवेलेबल हो एक उठा लीजिए, अच्छे से पढ़ जाइए। ठीक है, सिर्फ एक बुक पूरे 1 साल का, जिसमें अच्छा खासा करण दिया हो, आराम से इन चारों में से कोई भी उठा के पढ़ जाइए। चाहे घटनासार उपलब्ध हो, चाहे आई दृष्टि उपलब्ध हो, चाहे एडिटोरिया उपलब्ध हो, चाहे क्रॉनिकल। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग भी करंट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, करंट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। जो बुक्स नहीं पढ़ना चाहता है वो हमारी ये सीरीज फॉलो कर ले, स्टार्ट होने वाला है जल्द ही, आप लोग का सारा करंट कवर हो जाएगा, यहाँ से अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को शॉर्ट में समझाना चाह रहा था कि इन 70 दिनों में प्री और मेंस की क्या स्ट्रेटजी हो, क्या पढ़ें आप लोग, क्या ना पढ़ें। तो ये इस तरीके से अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो 100% मैं कह रहा हूँ प्री के साथ साथ मेंस भी आप लोग क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि मेंस में टाइम बहुत कम मिलता है, सिर्फ हो सकता है सिर्फ आपको 60 दिन मिले। तो अगर आप लोग इधर ये चीज़ें तैयार किए रहेंगे, जो आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम मतलब टाइम में प्री के बाद फ़ायदा करेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा और सब्जेक्ट ज़्यादा होगा पढ़ने के लिए। तो ऐसे आप लोग स्ट्रेटजी बना के अपना पढ़ाई करिए, आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़िए, 4 घंटा प्री पढ़िए तो 4 घंटा मेंस भी पढ़िए, और आंसर रट लिखे भरपूर, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।